और जहाँ राम मंदिर इतना बड़ा बन सकता है और भगवान राम से रिलेटेड ये जगह, भगवान राम और माता सीता अपने जीवन में पहली बार एक दूसरे को देखे थे। ये कौन भगवान के मंदिर थे दादी? बिहार सरकार द्वारा इस जगह को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया गया है। एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे, तो आज हम आ गए हैं फुलहर, जो कि है बिहार भारत नेपाल सीमा से सटे हरलाखी प्रखंड के अंतर्गत ये आता है और ये मधुबनी रेलवे स्टेशन से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। यह वो स्थान है जहां भगवान राम और माता सीता पहली बार मिले थे और यह मिथिला के राजा जनक का फूलों का बगीचा था। अंदर हम जाते हैं, अंदर जाके आपको मंदिर दिखाएंगे। मंदिर इसके सटे एक तालाब भी है, तालाब भी आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए भाई अब चलते हैं हम अंदर, मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर का कैंपस दिखाते हैं और इस अंदर जो गिरजा स्थान, इस मंदिर को गिरजा स्थान के नाम से भी जानते हैं। मंदिर का जो हिस्ट्री है, जो है कि श्री राम चरित मानस के अनुसार माता सुनयना ने देवी गिरजा की पूजा के लिए राजकुमारी सीता को इस स्थान पर भेजा था और वहां भगवान राम और लक्ष्मण भी अपने गुरु विश्वामित्र की पूजा के लिए कुछ फूल लाने आए थे। बगीचे में भगवान राम और माता सीता अपने जीवन में पहली बार एक दूसरे को देखे थे। इस मंदिर के कैंपस में ही एक बहुत बड़ा तालाब है। माना जाता है कि उस तालाब में माता सीता पैर हाथ धो के अंदर आती थी गिरजा माता की पूजा के लिए। तो उस तालाब को भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये छोटा सा एक हिस्ट्री था इस गिरजा स्थान का, जहां राम भगवान और माता सीता पहली बार मिले थे। तो भाई ये है गिरजा माता का मंदिर और इसके सटे सटे छोटे छोटे और देवी देवताओं की मंदिर है। और चलिए हम उस मंदिर को आपको दिखाते हैं। फिलहाल अभी सफाई चल रहा है। तो ये अंदर, ये कौन भगवान के मंदिर थे दादी? ये भैरव बाबा का मंदिर है, जो दादी अभी धो रही है। शायद पूजा उजा के टाइम हो गया है ना, पूजा उजा का टाइम हो गया है, इस कारण से धुला रहा है। तो इसके और भी है मंदिर, यहाँ सामने एक बजरंग बली का मंदिर है, तो मंदिर दिखाते हैं। बजरंगबली का मंदिर है। तो भाई ये वही तालाब है जिसके बारे में हम अंदर बताए थे और इस तालाब का नाम है बाघ तारक के नाम से। इस तालाब को बाघ तारक के नाम से जाना जाता है, जिसका उल्लेख तुलसीदास द्वारा रचित रामायण में बालकांड में दोहा संख्या 227 में से मिलता है, उसमें दर्शाया गया। तो यही वो तालाब है जिसमें माता सीता जब यहाँ आती थी तो इसी तालाब में हाथ पैर धोके और इस मंदिर के अंदर जाती थी और पूजा करती थी। तो यही कुछ इतिहास था। अब इस तालाब का हालत देखिए क्या है। तो भाई यही था इस मंदिर का कुछ हिस्ट्री, जो कि फुलहर नाम से जाना जाता है। यहाँ पहली बार भगवान राम सीता मिले थे। और एक बात और हम आपको बता दें कि 2020 में बिहार सरकार द्वारा इस जगह को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया गया है। पर्यटक स्थल इस फुलहर कैंपस को बनाया गया है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ पेपर पे बनाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि बहुत यहाँ कुछ पूजा करने के लिए कुछ फैसिलिटी हमको दिखा नहीं। तो उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और जहाँ राम मंदिर इतना बड़ा बन सकता है और भगवान राम से रिलेटेड ये जगह है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है, तो इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये छोटा सा मैसेज है, शायद उन तक पहुँचे, जाना पहुँचे तो सही है। तो ये मंदिर है, चलते हैं यहीं तक। ये वीडियो को आप समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी मधुबनी राइड के अगले लोकेशन पे, अगले राइड पे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें क्या गलत है या सही है, ज़रूर बताइए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कीप ट्रेवलिंग। थैंक यू।